Hey guys, this is Kushika the Dumpster and I'm back with the awesome gaming news and thumbnail और टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि PUBG Mobile India आ रही है एंड अब इसका नाम PlayerUnknown's Battleground India नहीं होगा, इसका न्यू नेम है Battleground Mobile India, मीन्स अब हम इसे PUBG नहीं, अब हम इसे BGMI बोलेंगे। तो PUBG ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट को थोड़ा अपडेट कर दिया है एंड आप वेबसाइट देख सकते हो कि वेबसाइट का नाम भी वही है battlegroundmobileindia.com। तो अब हम आ गए न्यू सेक्शन में एंड यहाँ लिखा है क्राफ्टन अनाउंसेस बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया न्यू दिल्ली 6 May 2021 जो कि आज की डेट है। क्राफ्टन द साउथ कोरियन वीडियो गेम डेवलपर टुडे अनाउंस द रिवील ऑफ बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया डेवलप्ड बाय क्राफ्टन। द गेम विल ऑफर अ वर्ल्ड क्लास ट्रिपल ए मल्टीप्लेयर गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया विल रिलीज विद द एक्सक्लूसिव इन गेम इवेंट्स लाइक आउटफिट्स एंड फीचर्स विल हैव इट्स ओन ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम विद टूर्नामेंट्स एंड लीग्स। द गेम विल लॉन्च एज अ फ्री टू प्ले एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल डिवाइसेस। मीन्स ये गेम फुली क्राफ्टन जो कि साउथ कोरियन कंपनी है उसके अंडर होगी एंड इस गेम में एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे लाइक आउटफिट्स एंड अदर फीचर्स जो एक्सक्लूसिवली इंडिया के लिए होंगे। प्लस इस गेम का खुद का ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम होगा एंड हमेशा की तरह गेम फ्री होगी प्ले स्टोर पे। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया अब बैटलग्राउंड रॉयल एक्सपीरियंस विल हैव अ पीरियड ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन बिफोर द लॉन्च। द गेम विल बी अवेलेबल टू प्ले ओनली इन इंडिया। क्राफ्टन विल कोलैबोरेट विद पार्टनर्स टू बिल्ड एन ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम व्हाइल ब्रिंगिंग इन गेम कंटेंट रेगुलरली स्टार्टिंग विद अ सीरीज ऑफ इंडिया स्पेसिफिक इन गेम इवेंट्स एट लॉन्च टू बी अनाउंस्ड लेटर। एंड सेकंड पैराग्राफ में ये क्लियर किया कि इस गेम का पहला प्री रजिस्ट्रेशन होगा, मीन्स जैसे फौजी का हुआ था अभी एपेक्स लेजेंड का हो रहा है। प्लस ये और लोगों या फिर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे जिससे परफेक्ट इकोसिस्टम ई-स्पोर्ट्स का बिल्ड हो एंड ये गेम सिर्फ इंडिया के लिए ही होगी, कोई और कंट्री वाला इस गेम को नहीं खेल पाएगा। With privacy and data security being a top priority, Krafton will be working with partners to ensure data protection and security at each stage. This will ensure privacy rights are respected and all data collection and storage will be in full compliance with all applicable laws and regulations in India and for players here. And यहाँ पे जो third paragraph है वो main है क्योंकि इसमें बताया गया है कि सारे players का data secure रहेगा and शायद से India में किसी को partner बनाएंगे जिससे इसका data India में ही रहेगा। And अब main topic के बारे में बात करते हैं जो कि इस website में mention नहीं किया गया है। तो पहले ही चीज़ ये कि कुछ चीज़ें लिमिटेड होगी लाइक आउटफिट्स इमोट्स एंड एक्सेट्रा क्योंकि ये इंडिया में फुली फ्रेश गेम बनके एंटर होगी। प्लस अभी तक ये गारंटीड नहीं है कि हमें हमारा पुराना डाटा जो कि PUBG ग्लोबल के आउटफिट इमोट्स एंड यूसी और भी बाकी चीज़ें हैं वो हमें मिलेगी या नहीं, ये अभी तक हमें नहीं पता है, शायद से ना भी मिले। बट अगर ऐसा होगा तो जो लोग होंगे जो प्लेयर्स होंगे वो शायद से कंप्लेंट करेंगे इस बात की। प्लस लीक्स ये कह रहे हैं कि ये गेम के रिलीज़ होने के चांसेस मई में है बट ये लीक कंफर्म नहीं है बिकॉज मैक्सटन ने ट्वीट कर रखा है, मतलब आज ही के दिन उन्होंने ट्वीट किया कि जून, बट उनके पुराने ट्वीट में लिखा है बिफोर जून, तो इसकी रिलीज डेट जो है वो कंफर्म नहीं है। तो गाइस सभी के लिए यही था इस वीडियो में एंड अगर और भी चीज़ें पता चलेंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड आई होप कि मैंने आपको अपनी वीडियो की हेल्प से कुछ बताया होगा, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर पबजी फैंस एंड इसी के साथ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कीप गेमिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी अप। We'll be right back.